जिसे मुंबई की जनता ने बहुत प्यार किया, एक ऐसा इंसान जिसे आप प्यार कर सकते हैं, जिससे आप शायद नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे को सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना है आज के स्पीच के बाद कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, एज इन इतना ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बचपन से ही है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आया? एक्चुअली ये युद्ध के लिए इस नेसेसिटी। आप कार्टूनिस्ट भी रहे तो आप कार्टूनिस्ट कम और कुछ एक मतलब डराने वाले ज्यादा लगते हैं, और उसमें भी कुछ ये भाव आता है कि आप चाहते हैं कि लोग आपसे थोड़ा सा डर के रहें। मतलब बार बार याद दिलाते हैं वो सवाल मत पूछना, आप बोलते हैं राजदीप मत बन जाना, अर्णब मत बन जाना। राज ठाकरे साहब से सवाल करना चाहता हूँ, आपका बचपना आपके चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया और इस हैसियत तक लाकर आपको रखा, ये एक चाचा का धर्म निभाया, क्या आप अपने भतीजे को यही मार्ग पे लाकर एक चाचा का एहसान वापस नहीं लौटा सकते? लास्ट टाइम आप हंसे कब थे? आपकी जो एक इमेज बनी है वो एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनी है, जो कि हमेशा गुस्से में रहता है, वो भाषण में भी उसका गुस्सा दिखता है। आपने ये भी आपने खाने पीने की बात उठा ली, आपने ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे को किस तरह का खाना, लोगों को लगा कि एक जरूरत से ज्यादा दोनों साइड्स के बीच में एक्रिमनी बढ़ चुकी। राज ठाकरे जी, ये जो उत्तर भारतीयों की आपने बात की, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से आती हूँ और जब कई बार हम न्यूज़ करते हैं, डिबेट करते हैं, तो एक व्यक्तिगत सवाल मन में आता है कि उत्तर भारतीय किस तरह से आपको देखें, जो भी मुद्दे आप बता रहे हैं किस तरह उनका यहाँ आना और उससे दिक्कत होना। आपने जिस तरह आपकी आक्रामक भूमिका उत्तर भारतीय या उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर रही है। मोदी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोगते बहुत है, असलियत कुछ और है। जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो,